हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ओरिगामी स्लिप की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। ये देखिए, हमारे पास पेपर है, इतना बड़ा पेपर है। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसकी लेंथ हम 12.5 इंच रखेंगे और इसकी जो चौड़ाई है वो हम 8.5 रखेंगे। इस तरीके से हम इसे खींच देंगे और इधर भी हम पट्टे की सहायता से इस तरीके से खींचना है। यहाँ से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हमारा ये 2.5 इंच रहेगा। इधर से भी हम 6 ही इंच रखेंगे। इसको इस तरीके से हम पटरी की सहायता से खींच लेंगे सीधा। फिर इसको यहाँ से हम 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे। इस तरीके से, और यहाँ से हम 2.5 इंच रखेंगे। इसको भी मिस्कल की सहायता से ऐसे तिरछा खींच लेंगे। फिर इसको हम ऐसे गोलाई देंगे। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। और हम यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, जो इस तरीके से तिरछा खींचना है हमें। इसकी भी कटिंग करनी है। अब हम यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी तरीके से हम नीचे के पार्ट में 3 इंच का निशान डालेंगे, फिर यहाँ से ये 3 इंच का रहेगा और फिर यहाँ से ये 2 इंच का निशान रहेगा। इसको हम स्केल की सहायता से इस तरीके से मिला देंगे। ये हो गया मेरा पेपर का कटिंग। अब हम आपको कपड़े पे कटिंग करेंगे। कपड़े पे किस तरह से कटिंग होगी ये देखिए। ये देखिए, कपड़ा हमने ऐसे फैला दिया है, इसके ऊपर हमने ये बाजू रख दी है। अब इसको हम इस तरह से चाक की सहायता से निशान लगाएंगे और हम इसकी कटिंग करेंगे। और हमें इस पे निशान लगाना है गहराई का, आगे के पल्ले में थोड़ी सी गहराई होती है, वो इस तरीके से कटेगी। फिर हम इसको ऐसे बराबर करेंगे। ये हमारा यहाँ से 3 इंच पर निशान लगेगा, 2 इंच पर, यहाँ से हम 2 इंच पे रखेंगे, फिर ये यहाँ से हम 1.5 इंच करेंगे और यहाँ से 1 इंच रहेगा। और इसका जो नीचे का पार्ट है वो यहाँ से हम 3 इंच, फिर जो सेकंड है वो भी 3 इंच, थर्ड पे हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इसको इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा ऊपर ही निशान लगाएंगे।
और यहाँ से हम 1 इंच की मार्जिन देंगे। ये हमारा सिल के बाजू 5.5 इंच में आएगा, तो ये 6.5 इंच है, हम यहाँ पे 1 इंच की मार्जिन देंगे। इसको इस तरीके से निशान लगाना है। अब हम आपको स्टिच करना बताते हैं। ये देखिए बाजू में हम इस तरीके से प्लेट डालेंगे, ये सेंटर पॉइंट पे मिलाएंगे, इसको इस तरीके से पिनअप कर देंगे। इसी तरीके से हम ये दूसरा प्लेट है, ऊपर का जो निशान है ऊपर पकड़ेंगे और जो नीचे का निशान है ये नीचे से इस तरीके से प्लेट लेके आएंगे। इसको भी हम पिन कर देंगे। ये जो हमारी तीसरी प्लेट है इसको भी हम इस तरीके से पिन कर देंगे। फिर इसी तरह से इधर की भी प्लेट को पिन करने में ये यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे। आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं इस तरीके से पिन करेंगे। फिर ये प्लेट को पकड़ेंगे यहाँ से सेंटर पे लाके यहाँ पर पिन कर देंगे। फिर ये प्लेट है इसको भी यहाँ पर हम पिन कर देंगे। फिर इसको हमें मशीन चलाना है। ये देखिए इस तरीके से हम मशीन चलाएंगे। पिन को इस तरीके से निकालना है। ये देखिए ये सिल दिया है। अब इसको क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। इसको हमें फिर से ऊपर से सिलाई डालनी है। इस तरीके से सीधी पट्टी इस पे लग जाएगी। ये देखिए हमारा बाजू हो गया है। आप चाहें तो इस पर इस तरीके से लेस लगा सकते हैं। आपका बाजू का मूड़न जितना होगा आप उतना रख सकते हैं। अब हमें 6.5 इंच पे सिलाई डालनी है। ये देखिए बाजू हमारी रेडी हो गई है। हम इस पे ईल लगाएंगे। पहले हम इसको पिन, ये देखिए बाजू हमारी रेडी हो गई है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।